देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, मूंग, बाजरा, हल्दी, हरी मिर्च और तिल की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और साथ ही बता दें आपको बाजार की जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कपास के निर्यात में हुआ इजाफा, कुल 13,968 करोड़ रुपए का हुआ निर्यात। बात कपास की, बता दें आपको देश से होने वाले कपास के निर्यात में साल बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान देश से कपास का निर्यात लगातार बढ़ा है। इस साल कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले 2 गुना तक बढ़ चुका है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बता दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठे होने का अनुमान जताया गया है। किस प्रकार बना हुआ है इसका बाजार, आइए देखें इस रिपोर्ट के जरिए। देश से होने वाली कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ चुका है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के दौरान कपास का निर्यात लगातार बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में कपास के निर्यात में भारी इजाफा हुआ और निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का ही हो सका, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं बात कपास के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 22 जनवरी को कपास का भाव था 8,875 रुपए, 24 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 8,825 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में स्थिर भाव के साथ कारोबार हुआ। यहां दोनों दिन यानी 22 और 24 जनवरी को कपास का भाव 9,430 रुपए पर टिका रहा। तेलंगाना की चरला मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां 22 जनवरी को कपास का भाव था 8,200 रुपए, जो कि 24 जनवरी को भी 8,200 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की तरफ रुख करें तो यहां की सूरतगढ़ मंडी में सोमवार को कपास की खरीद 9,765 रुपए पर हुई। वहीं राज्य की ही विजयनगर मंडी में 22 जनवरी को कपास का भाव था 8,900 रुपए, जो कि 24 जनवरी को 100 रुपए गिरकर 8,800 रुपए पर आ गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक कपास मध्यम रेशा का एमएसपी मूल्य 211 रुपए बढ़कर 5,726 रुपए तय किया गया है, जबकि कपास लंबा रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस साल 200 रुपए बढ़ाकर 6,025 रुपए हो गया है। कपास की उपज पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान देश में कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठे होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर देखने को मिल सकता है। तो कपास की पैदावार की स्थिति अभी आपने जान ली, साथ ही आपने जाना कि निर्यात काफी अच्छा बना हुआ है और साथ ही साथ सरकार ने भी काफी अहम कदम यहां पर उठाया है, एमएसपी मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन तमाम परिस्थितियों का असर इसके बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में किस तरह से रह सकता है, जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालातों को देखते हुए आगे हम कपास में किस तरह की संभावनाएं लगा सकते हैं। यहां पर कपास की अगर बात करें तो कपास के बाजार में हमने गिरावट आते हुए देखी है, मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है आने वाले समय में कपास के बाजार में और कॉटन के बाजार में नरमी का रुख देखा जा सकता है। मंडियों के अंदर हायर लेवल पर अराइवल बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। वादा व्यापार के अंदर भी हमने पिछले हफ्ते भावों में नरमी आते हुए देखी है। हमें लगता है आने वाले समय में कपास के बाजार में नरमी देखी जा सकती है। जी, तो आपके अनुसार इसके बाजार भाव में नरमी का माहौल रह सकता है, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
कपास के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेचकर निकल जाए। हमें लगता है कि भावों में और तेजी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं, आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो आगे नरमी का माहौल रह सकता है। ऐसे में किसानों के लिए यही सलाह है कि आप मंडियों में निगरानी बनाए रखें। जहां आपको उचित दाम नजर आ रहे हैं वहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। अनुजी, आप बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिनसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। देश से बड़ा दालों का निर्यात, रबी मूंग की बुआई बीते साल से पीछे। चालू रबी सीजन में निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रहा बाजरे का रकबा, मोटे अनाज की पैदावार में बढ़त का अनुमान। अब बुलेटिन में बात मूंग के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में सोमवार को मूंग के सौदे तेजी के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी बने रहे। आपको बता दें कि चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है, जबकि कुल दलहन का रकबा निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा आगे चल रहा है। कैसा है इसका बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 7 जनवरी को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 10 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं बात मूंग की खेती की करें तो दलहनी फसलों में शामिल मूंग का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। साल 2021-22 के दौरान मूंग की कुल बुआई 1,67,000 हेक्टेयर घटकर 2,67,000 हेक्टेयर में ही हो पाई है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 4,34,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं मूंग के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 22 जनवरी को मूंग का भाव रहा 6,800 रुपए, 24 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 6,900 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राजस्थान की जोधपुर मंडी में 22 जनवरी को मूंग के सौदे 6,625 रुपए पर हुए, 24 जनवरी को यहां इसका भाव 25 रुपए बढ़कर 6,650 रुपए पर पहुंच गया। मूंग के भाव में बढ़त का सिलसिला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भी बरकरार रहा। यहां 24 जनवरी को मूंग का भाव 10 रुपए चढ़कर 6,670 रुपए से 6,680 रुपए हो गया। हालांकि केरल की मंजेरी मंडी में बीते दो दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 22 और 24 जनवरी को मूंग 9,250 रुपए पर बिकी। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोमवार को मूंग का कारोबार 6,210 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर हुआ। वहीं साल 2021 के दौरान देश से हुए दालों के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल अक्टूबर महीने में दलहन के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात 1,81,647 टन ही रहा था। तो किस तरह से गतिविधियां हो रही हैं मूंग के बाजार में, अभी आपने जान लिया। आके हम किसी तरह का बदलाव इसमें अनुमानित कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, मूंग के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मूंग की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमें नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर नई क्रॉप की आवक आने के बाद हम यहाँ पर और नरमी आते हुए देखेंगे। जो हमने सोइंग एक्टिविटी काफी बढ़ती हुई देखी है और हमने देखा है कि इस बार एकरेज जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मूंग के बाजार में और दालों के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आगे इसमें नरमी का माहौल हम देख सकते हैं, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? मूंग के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। इस बार अच्छी पैदावार देखने को मिली है, रकबा भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जैसे जैसे आगे नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी भावों में नरमी देखने को मिलेगी। हमें लगता है मूंग के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रह सकता है। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी, तो आगे इसमें नरमी का माहौल बना रह सकता है, तो हमारे किसानों के लिए यही सलाह जारी की जा रही है कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा कि आप अभी फिलहाल मंडियों में निगरानी बनाए रखें। जहां भी आपको अच्छे दाम यहां पर अर्जित होते हैं आप बिकवाली कर सकते हैं। ये तो बात हो गई मूंग की। बढ़ते हैं आगे, सेब के बाजार भाव देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं जानकारी देते हैं आपको। हरियाणा की पानीपत मंडी की बात करेंगे। सेब
मंडी का बाजार भाव यहां पर रहा 8,000 रूपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे हुए 8,000 रूपए पर। वहीं केरल की मंजेरी मंडी की बात करें तो यहां पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई 9,050 रूपए पर, तो वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 6,800 रूपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना अभी आपने सेब के बाजार भाव के बारे में। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी बाजरे और हल्दी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोलो ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन के स्थान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं बाजरे के बाजार की। बताते हैं आपको कि चालू रबी सीजन के दौरान बाजरे की बुआई बीते साल के समान चल रही है। अब तक रबी बाजरे की खेती 17,000 हेक्टेयर में की जा चुकी है। वहीं मोटे अनाज की पैदावार इस साल 34 मिलियन टन होने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर बाजरे के भाव पर देखने को मिल सकता है। बाजरे के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान बाजरे की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। वहीं बीते कुछ समय से आगे चल रहा बाजरे का रकबा बीते साल के समान चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 7 जनवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी बाजरे की बुआई 17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। इसी तरह साल 2020-21 के दौरान बाजरे की बुआई का रकबा 17,000 हेक्टेयर ही रहा था। बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज के लिए साल 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 22 जनवरी को बाजरे का भाव था 1,800 रूपए। 24 जनवरी को इसके भाव में 50 रूपए की मजबूती आई और भाव 1,850 रूपए पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। 22 जनवरी को यहां बाजरे का भाव था 1,850 रूपए। 24 जनवरी को इसके सौदे 140 रूपए टूटकर 1,710 रूपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बहजोई मंडी में भी बाजरे की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 22 जनवरी को बाजरे के सौदे 1,675 रूपए पर हुए। 24 जनवरी को यहां इसका भाव 25 रूपए गिरकर 1,650 रूपए हो गया, जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में बाजरे का कारोबार मामूली बढ़त के साथ हुआ। यहां 22 जनवरी को इसका भाव रहा 1,680 रूपए, जो कि 24 जनवरी को 20 रूपए बढ़कर 1,700 रूपए हो गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 के दौरान बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,250 रूपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बाजरे की एमएसपी 2,150 रूपए प्रति क्विंटल थी। यानी बीते साल की तुलना में इस साल बाजरे के एमएसपी में 100 रूपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। बाजार आगे कैसा रह सकता है, जानकारी के लिए फिर रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, बाजरे के बाजार को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? बाजरे की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने भावों में उछाल आते हुए देखा है। डिमांड बढ़ने की वजह से बाजरे के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखे तो मंडियों के अंदर आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। बाजरे के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो आगे इसमें तेजी का माहौल हम देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? बाजरे के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें, छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है।
डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है किसान अगर बाजरे को होल्ड करते हैं तो छोटी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो थोड़ा सा इंतजार हमारे किसानों को अच्छा दाम दिलवा सकता है, तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करें और मंडियों में लगातार निगरानी बनाए रखें। बढ़ते हैं आगे, पपीते के बाजार भाव देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं आइए बताते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 2100 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 900 रुपए पर। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहां पर इसकी बिकवाली हुई 1600 रुपए पर, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 1450 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब आपको जानकारी देते हैं अनार के बाजार भाव की। बता दें हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करेंगे, अनार का भाव रहा 9250 रुपए, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसके सौदे हुए 4500 रुपए पर, और वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसकी बिकवाली हुई 5150 रुपए पर। और बात करेंगे गाजियाबाद मंडी की, तो यहां पर इसके सौदे दर्ज किए गए 5200 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, हल्दी के बाजार के बारे में आपको जानकारी देते हैं। बता दें आपको कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं इस साल बता दें आपको 2017-18 की बात करते हैं तो इसके दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन का रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते साल के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। तो आपने देखा इसमें लगातार इजाफा हम देख रहे हैं। वहीं हल्दी की पैदावार पर अगर नजर डालते हैं तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन की रही थी। तो पैदावार में भी कमी है। अगर हम इसके हाजिर भाव की बात करते हैं, बता दें आपको एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को तमिलनाडु की अतूर मंडी में भाव रहा 8,600 रुपए, और इसके साथ ही यहां की हम इरोड मंडी की बात करते हैं तो बल्ब क्वालिटी की हल्दी के सौदे हुए 6,885 रुपए पर, जबकि यहीं पर फिंगर क्वालिटी की हल्दी की बिकवाली हुई 7,388 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो हल्दी के बाजार में किस तरह का हाल बना हुआ है अभी आपने जान लिया। यहाँ पर निर्यात काफी अच्छा है, पैदावार में कमी है और बाजार भाव भी अच्छे ही बने हुए हैं। ऐसे में किस तरह का आगे आने वाले समय में असर रहेगा इस पर जानकारी ले लेते कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनु जी क्या कहेंगे आप हल्दी के बाजार को लेकर? यहाँ पर जहां तक हल्दी का सवाल है, यहाँ पर हमने कंटिन्यूस तेजी आते हुए देखी है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। इस बार अगर देखें तो बेमौसम बारिश होने की वजह से रकबा और सोइंग हल्दी की कम होती हुई दिखाई दी है। बुआई के आंकड़े भी कम देखने को मिल रहे हैं। हमें लगता है हल्दी के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख बना रहेगा। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, तो इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं, क्या सलाह है आपकी? हल्दी के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चले, छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख बना रहेगा। निर्यात मांग डोमेस्टिक डिमांड की वजह से और बेमौसम बारिश की वजह से सोइंग कम होने की वजह से बुआई के आंकड़े कम आने की वजह से भावों में तेजी का रुख रह सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। अगर किसान होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, किसान थोड़ा सा इंतजार करते हैं तो आगे आने वाले समय में अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हल्दी के बाजार की। इसके साथ बता दें आपको वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम हरी मिर्च का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत,
पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करेंगे हरी मिर्च के बाजार की। बता दें आपको कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी एवं लाल दोनों अवस्थाओं में किया जाता है। मिर्च में तीखापन इसमें पाए जाने वाले कैप्सिसिन के कारण होता है। मिर्च का उपयोग मसाला, चटनी, अचार एवं सॉस बनाने में किया जाता है। भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंच रही है। सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में हरी मिर्च का जो बाजार भाव है, बता दें आपको 2625 रूपये दर्ज किया गया। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो हरी मिर्च के सौदे हुए 3500 रूपये पर, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी बात करें तो इस दौरान हरी मिर्च के सौदे हुए 2500 रूपये पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। साथ ही अगर इसकी पैदावार की हम बात करते हैं तो इस साल हरी मिर्च की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार हरी मिर्च की पैदावार 44,17,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा महज 41,19,000 टन का रहा था। यानी हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3,00,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो हरी मिर्च की पैदावार अच्छी है, इसका क्या असर पड़ सकता है इसके बाजार पर, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। क्या कहेंगे आप अनुज जी हरी मिर्च के बाजार को लेकर? हरी मिर्च की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने भावों में नरमी देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। इस बार पैदावार भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है आने वाले समय में हरी मिर्च के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है, तो नरमी का माहौल बना रहेगा। तो वैसे में हमारे किसान क्या करें, क्या कहेंगे आप? हरी मिर्च किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेचकर निकल जाए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखी जा सकती है। मंडियों के अंदर आवक भी बनी हुई है। हमें लगता है हरी मिर्च के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। अच्छी क्रॉप होने की वजह से और आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेचकर निकल जाए। बिल्कुल, तो अभी हमारे किसानों के लिए यही सलाह है, आप मंडियों में निगरानी बनाएं, जहां अच्छे दाम मिलते हैं आप बिकवाली कर सकते हैं। आगे नरमी अनुमानित है इसके बाजार में। आइए बढ़ते हैं आगे, गाजर के बाजार भाव देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं जानकारी देते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहां पर इसका बाजार भाव रहा 1,450 रूपये। कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करें तो यहां सौदे हुए 4,900 रूपये पर, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,600 रूपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की बात करते हैं तो यहाँ इसकी बिकवाली दर्ज की गई 1,050 रूपये पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। गाजर के बाद जानकारी देते हैं आपको नींबू के बाजार भाव की। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की तो बता दें नींबू का भाव रहा 2,275 रूपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 4,250 रूपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे हुए 2,800 रूपये पर। और यहीं की करवी मंडी की हम बात करते हैं तो बिकवाली दर्ज की गई 2,445 रूपये पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो नींबू के बाजार भाव आपने जान लिए। अब आखिर में बात करते हैं तिल के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया जा चुका है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी रही। अगर इसके हाजिर भाव पर नजर डालते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में भाव रहा 9,440 रूपये। वहीं कर्नाटक की कुष्टगी मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए 10,200 रूपये पर, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में बिकवाली हुई 9,460 रूपये पर।
और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वहीं आपको बता दें कि चालू रबी सीजन में तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है, जबकि कुल तिलहन का रकबा निर्धारित लक्ष्य से 19 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 7 जनवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 35,000 हेक्टेयर में तिल की बुआई कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 38,000 हेक्टेयर रहा था। तो तिल के बाजार पर भी जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे आप तिल के बाजार को लेकर? तिल की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने भावों में उछाल आते हुए देखा है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि मौसम के डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि देखें तो इस बार कुछ अराइवल कम देखने को मिल रही है, जिससे भावों को सपोर्ट मिला है, और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से भी भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? तिल के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चले, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है तिल के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। किसान अगर यहाँ से होल्ड करते हैं तिल को तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने और कृषि जनसो पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे आलू के बाजार भाव। देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं बताते हैं आपको। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,300 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो सौदे हुए 900 रुपए पर, और राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 920 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल, और इसके साथ बता दें आपको आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। और साथ ही एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप मंडियों का हाल हमारे YouTube चैनल के जरिए जान सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। जान सकते हैं आप मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ। मैं तुझे हासिल किए बिना वापस नहीं जाने वाला। बहुत परेशान कर दिया होगा ना इसने। इस बच्चे के बारे में पता ही ना चले। हाँ, एक रास्ता है। तो नाजो न्यू ने बच्चों को जन्म दिया। तुम फिर क्या जाओ? सभी दानवों का नाश कर लेपचा मानवों को बचाओ। जी देवी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझको मल्लयुद्ध में परास्त नहीं कर सकते। तुम जीवित ही नहीं रहना चाहते तो तुम्हारी इच्छा भी मैं पूरी कर दूंगा। और क्या तुम्हें अपने बेटे की बहादुरी पर कोई शंका है? मुझे तुमसे कदापि ऐसी आशा नहीं थी। और तुम भी मुझे पाना चाहते हो? पाना चाहता था। आज परीक्षा हो ही जाए, या तो तुम रहोगे या मैं। रहस्य है, चमत्कार है।